नमस्कार मैं डॉक्टर अलका राय डिप्टी लाइब्रेरियन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली एन के सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रोग्राम के लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस सत्र में आपका स्वागत करती हूँ आज का जो हमारा सत्र है वह संदर्भ स्रोत पर है जो कि आपके पाठ्यक्रम का छठवा अध्याय है पिछले अध्याय में आपने सूचना स्रोतों के बारे में पढ़ा जिसे इन्फॉर्मेशन सोर्सेज कहते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं जिसमें आपने यह भी सीखा कि जो उनके प्रकार हैं वो प्राइमरी सोर्स सेकेंडरी सोर्स और टर्सरी सोर्स यानी प्राथमिक द्वितीयक एंड तृतीयक स्रोत होते हैं उसमें सेकेंडरी सोर्स में एक रेफरेंस सोर्स होता है जो जिसको कि हम संदर्भ स्रोत कहते हैं जिसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे तो आज के इस सत्र में हम पहले ये सीखेंगे कि संदर्भ स्रोत होते क्या हैं जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज का जो समय है उसमें सूचना का विस्फोट यानी इन्फॉर्मेशन एक्सप्लोजन है हमारे पास बहुत तरह की सूचनाएँ है, अवेलेबल हैं लेकिन कैसे उन सूचनाओं को किस प्रकार से उचित रूप से प्रयोग के लिए हमें सूचना स्रोतों की हेल्प लेनी पड़ती है जिनको कि विषय वस्तु के आधार पर श्रेणियों में बांटा जा सकता है जैसे कि प्राथमिक द्वितीयक एंड तृतीयक स्रोत अगर हम द्वितीयक स्रोत की बात करें तो उनको पुनः कुछ समूहों में जैसे कि अनुक्रमणिका जिसको इंडेक्स टाइप कहते हैं जिसमें कि आप जो भी आपके इंफॉर्मेशन है उनको इंडेक्सिंग उसकी की जाती है सर्वेक्षण टाइप जिसमें सर्वे किया जाता है अनुवाद यानी ट्रांसलेशन जैसे मान लीजिए कि अगर आपने कोई किताब अंग्रेजी में है उसको हमें हिंदी में ट्रांसलेट करना है तो उसके लिए हमें किसी डिक्शनरी का सहारा लेना पड़ेगा जिससे कि हम शब्दों का अनुवाद कर सकें। तीसरा जो है वो संदर्भ स्रोत है यानी रेफरेंस सोर्स तो आज का जो सत्र है हमारा केवल रेफरेंस सोर्सेज के बारे में है तो हम उसके बारे में बात करेंगे अब रेफरेंस सोर्स क्या होते हैं उनको हम लोग संदर्भ पुस्तक या रेफरेंस बुक्स भी कहा जाता है और जो कि संदर्भ स्रोत जो या रेफरेंस सोर्स है वह किसी भी विषय के बारे में संक्षिप्त यानि ब्रीफ फैक्ट्स उसकी जो सांख्यिक सूचना और उसका बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जो पृष्ठभूमि की सूचना संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर प्रदान अथवा अतिरिक्त सूचना स्रोत के निर्देश की ओर संकेत करने वाले होते हैं अगर संदर्भ स्रोतों को मुख्य तौर पर ग्रंथालय में उपयोग किया जाता है लाइब्रेरी यूजर्स उसको यूज करते हैं और इसको रेडी रेफरेंस सर्विस यानी त्वरित संदर्भ सेवा आ, कहा जाता है क्योंकि लाइब्रेरी में आप देखेंगे कि एक संदर्भ का पूरा एक अलग कलेक्शन होता है जिसमें रेफरेंससेज होते हैं चाहे वो डिक्शनरी हो इंसाइक्लोपीडिया हो तरह तरह के जितने भी हमारे रेफरेंसेज मटीरियल रेफरेंस मटीरियल्स होते हैं उनको अलग एक सेक्शन लाइब्रेरी में बना दिया जाता है जैसा कि उसका नाम है त्वरित संदर्भ सेवा यानी कि तुरंत जैसे सपोज करिए कि अगर मैं लाइब्रेरी में पढ़ रही हूँ और मैं किसी वर्ड किसी किताब को पढ़ रही हूँ उसमें किसी शब्द पे अटक जाती हूँ कि इसकी इसका क्या अर्थ होगा इस शब्द का तो उसके लिए मुझे डिक्शनरी देखनी पड़ेगी तो मैं अपने लाइब्रेरी के रेफरेंस सेक्शन में जाऊँगी वहाँ से वो डिक्शनरी निकालूंगी और उसका अर्थ देखूंगी ऐसे ही अगर कोई कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है उसको पिछले साल का अगर भारत का कि कितना बजट था या लिटरेसी रेट क्या थी तो उसके लिए वो फिर उससे रिलेटेड रेफरेंस सोर्स को ढूंढेगा जो कि लाइब्रेरी में ही होगा तो जो संदर्भ स्रोत होते हैं उनको विशिष्ट प्रकार की सूचना है जैसे कहते हैं हम स्पेशल इन्फॉर्मेशन के लिए खोजने के लिए उपयोगी माना जाता है और आ, अधिकतर जो लाइब्रेरीज होती हैं इनका सेक्शन अलग होता है जैसा कि मैंने बताया और इनका इशू रिटर्न जैसे कि कोई उसको ले बाहर नहीं जा सकता क्योंकि ये लाइब्रेरी में ही इनको रखा जाता है ताकि किसी को भी हर यूज़र जब उसे जरूरत हो तो इमीडिएटली उसको रेफर कर सके जैसा कि नाम ही है उसका संदर्भ या रेफरेंस तो इसलिए उनको रेफरेंस कलेक्शन में रखा जाता है अब संदर्भ स्रोतों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ रेफरेंस सोर्सेस की हम बात करें तो कितने प्रकार के संदर्भ स्रोत होते हैं सबसे पहले शब्दकोश डिक्शनरीज जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे और इस्तेमाल भी किया होगा तो डिक्शनरी भी एक रेफरेंस यानी संदर्भ स्रोत है विश्वकोश इंसाइक्लोपीडियाज हस्तपुस्तिका यानि हैंडबुक्स अब्दकोश वार्षिकी, एंड ईयरबुक्स पंचांग एलमनाक्स जीवन चरित्र स्रोत बायोग्राफिकल सोर्सेज जिसको कहते हैं एंड भौगोलिक स्रोत जोग्राफिकल सोर्सेज अगर हम डिक्शनरी की बात करें तो अंग्रेजी भाषा का शब्द डिक्शनरी जो है मध्यकालीन लैटिन भाषा के डिक्शनेरियम शब्द से बना जिसका अर्थ होता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स और ग्रुप ऑफ सेंटेंसेज यानी कि शब्दों या वाक्यांशों का संग्रह जिसे कहा जाता है जबकि लैटिन शब्द में डिक्सियो का अर्थ होता है शब्द तो डिक्शनरी शब्द की उत्पत्ति इस प्रकार हुई सर्वप्रथम शब्दकोश की रचना प्राचीन ग्रीक तथा रोमन में हुई थी आधुनिक शब्दकोश एक ऐसी पुस्तक है जिसमें भाषागत शब्दों को उनके अर्थ के अनुसार वर्णनानुसार संयोजित किया जाता है यानी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उनको अरेंज किया जाता है अगर आपने डिक्शनरी इस्तेमाल किया होगा आप करते होंगे तो आप देखेंगे कि उसमें अल्फाबेटिकल यानी वर्ण वर्णानुक्रमान सारे शब्द जो होते हैं वो संयोजित होते हैं और लेटर का वर्ड जो होगा वो सबसे पहले होता है और जेड का सबसे लास्ट में होता है तो ऐसे ही डिक्शनरी 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 के के बारे में में और अधिकतर शब्द हमें शब्दों अर्थ से कुछ अधिक बताते हैं अगर हम की बात करें तो में बहुत सारी और इंफॉर्मेशन मिलती है केवल उसका अर्थ नहीं होता है जैसे कि उच्चारण फोनेटिक साउंड कैसे है अगर कोई शब्द है उसको कैसे उच्चारित करेंगे उसका जो व्याकरणीय स्तर है ग्रामेटिकल लेवल क्या है कई बार उसका इलिस्ट्रेशन यानी चित्र लेख भी उपल, उपलब्ध होता है होता है है डिक्शनरी में उसके पर्यायवाची उसका विलोम शब्द उसके प्रयोग कैसे करेंगे उसको अगर कोई सेंटेंस हम बना रहे हैं तो उस शब्द का प्रयोग किस तरह से किया जाएगा ये सारी जो जानकारियां होती हैं वो डिक्शनरी में उपलब्ध होती हैं कुछ शब्द कोशों में प्रायः शब्दों की व्युत्पत्ति व इतिहास मूल या विकास की भी जानकारी देती है जैसे कुछ जो डिक्शनरी हैं उनमें आपको किसी शब्द की कैसे उत्पत्ति हुई उसका क्या इतिहास था उसका क्या रूट था उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ ये सारी इन्फॉर्मेशन उस, उसमें आपको मिलेगी डिक्शनरी में इसका जैसे उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं द चैम्बर डिक्शनरी द मरियम वेबेस्टर थे ये सारी ऐसी डिक्शनरी हैं जिनमें आपको ना केवल उस शब्द का अर्थ बल्कि उसका उच्चारण उसका व्याकरणीय स्तर उसका पर्यायवाची क्या होगा उस शब्द का उस शब्द का विलोम क्या होगा और उसको आप से, से कोई भी अगर वाक्य बना रहे हैं तो उसमें कैसे उसका उपयोग किया जाएगा ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है अब जो शब्द हैं उनका भी वर्गीकरण किया जाता है उनकी विषय सीमा उनकी सूचना और उनकी जो मदों जो गुणवत्ता यानी जो क्वालिटी के आधार पर उनको निम्नलिखित ग्रुप में बांट सकते हैं जैसे कि सामान्य भाषागत शब्दकोश जिसको हम कहते हैं जनरल लैंग्वेज डिक्शनरीज जो कि सामान्य डिक्शनरी जिसको हम बोलते हैं जो आप डे टू डे लाइफ में हम सारे स्कूल में चाहे कॉलेज में हम लोग इस्तेमाल करते हैं दूसरा होता है विषयगत शब्द जिसको सब्जेक्ट डिक्शनरी कहते हैं वह सब्जेक्ट से रिलेटेड डिक्शनरी है फिर है विशेष उद्देश्य वाले शब्दकोश जिनको कहते हैं स्पेशल पर्पज डिक्शनरीज और लास्ट में द्विभाषीय एवं बहुभाषीय शब्दकोश जो कि बाईलिंगुअल और मल्टीलिंगुअल डिक्शनरी होती है अब जब अगर हम जनरल लैंग्वेज डिक्शनरीज के बारे में बात करें तो सामान्य भाषागत शब्दकोश जिसको जनरल लैंग्वेज डिक्शनरी कहते हैं में सभी शब्दों के अर्थ परिभाषा वह समान भाषा में शब्दों की व्याख्या देते हैं ताकि उसको कोई भी समझ सके कि इस शब्द का क्या मतलब है उसका क्या अर्थ है और इनको पुनः इनके आकार अनुसार समूहों में विभाजित किया जाता है अब जो सबसे पहले है विस्तृत बृहद या कम्प्रिहेंसिव अनअब्रिज डिक्शनरी जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चलता है कि ये विस्तृत है बृहद मतलब कि वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव डिक्शनरी जिसमें कि कोई शब्द कैसे इवॉल्व हुआ उसके एवोल्यूशन की हिस्ट्री कैसे बना कैसे एग्जिस्टेंस हुआ उस सारे जितना प्रोसेस है उस सबका डिटेल आपको इस डिक्शनरी में मिलेगा दूसरी होती है संक्षिप्त महाविद्यालय डेस्क अप्रिज कॉलेज डेस्क एक डिक्शनरी तो इस जो शब्द कोश में आपको जितनी गैर जरूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी केवल आपको शब्द का अर्थ जो भी है उससे और पॉकेट डिक्शनरी जो कि पॉकेट डिक्शनरी आप सब लोग जानते होंगे स्कूल में ज़्यादातर बच्चे अपने स्कूल में इस्तेमाल करते हैं छोटी डिक्शनरी होती है साइज़ में और इसमें लगभग एक लाख बीस हज़ार तक के शब्द उपलब्ध होते हैं जिसमें कि जो कि आपके डे टू डे मतलब वो वो सारे शब्द जिस का हम यूज़ प्रयोग करते हैं वो सारे शब्द आपको इसमें मिलेंगे उनके अर्थ और उनके साउंड के साथ ये कुछ उदाहरण हैं जैसे मरियम वेबिस्टर कॉलेजियड डिक्शनरी है मरियम वेबिस्टर पॉकेट डिक्शनरी मरियम वेबिस्टर स्कूल डिक्शनरी ये सारे एग्जाम्पल हैं इन तीनों कैटेगरीज डिक्शनरीज के, के अब आ, हम लोग बात करेंगे विषयगत यानी शब्दकोश विषयगत शब्द सब्जेक्ट डिक्शनरीज़ की जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि यह या सब विषयगत यानी सब्जेक्ट की डिक्शनरी है अगर मान लीजिए हम लाइब्रेरियन इन्फॉर्मेशन साइंस के स्टूडेंट हैं और हमको लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस से संबंधित अगर जो शब्द हैं जो टर्म है और टर्मिनोलॉजी है उसको देखना है कि उसका क्या मीनिंग होता है अगर मैं हिंदी में पढ़ती हूँ तो उसका अंग्रेजी में क्या होगा या अंग्रेजी में है तो हिंदी में क्या उसका मतलब होगा या किसी और रीजनल भाषा में भी तो हम उसके लिए सब्जेक्ट डिक्शनरी का लेते हैं जैसे सब्जेक्ट डिक्शनरी के लिए उदाहरण देना चाहूंगी कि जैसे डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी इस तरह की बहुत सारी आपको डिक्शनरी मिलेंगी जो सब्जेक्ट आधारित होती हैं जिनमें आपको उस सब्जेक्ट से संबंधित उस विषय से संबंधित टर्म्स टर्मिनोलॉजी वर्ड जो भी प्रयोग किए जाते हैं उनका डेफिनेशन मिलेगा एक अच्छा उदाहरण है हिल डिक्शनरी ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्म्स तो इसमें आपको वो डिक्शनरी है जिसमें कि जितने भी साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्म्स होते हैं उनका शब्द और उनका अर्थ डिटेल के साथ आपको मिलेगा अब विशिष्ट शब्द कोश जिसको स्पेशल डिक्शनरीज कहा जाता है ये उन शब्दों की डिक्शनरी होती है जो कि बहुत कम प्रचलन में होते हैं वो ऐसे शब्द जिनका प्रचलन बहुत कम होता है मतलब आप डे डे टू डे लाइव लाइफ में हम नहीं उसका इस्तेमाल करते हैं बल्कि शब्दों के विशेष या विशेष पक्षों के साथ एक संबंध रखते हैं इनको ऑप्सिलीट वर्ड्स कहते हैं या एक्रोनिम्स कहते हैं कई बार आप जो संकेताक्षर यानी एब्रिवेस होते हैं उनकी डिक्शनरी जो होती हैं उनको स्पेशल डिक्शनरी कहा जाता है अगर स्पेशल डिक्शनरीज uh, का हम हम उदाहरण दें तो उसमें कैम्ब्रिज इंग्लिश प्रोनाउंसिंग डिक्शनरी जिसमें कि आपको प्रोनाशिएशन के लिए कैम्ब्रिज एडियम्स डिक्शनरी एडियम्स में क्या होता है कि ये शब्दों का एक समुच्चय होता है जैसे आप मान लीजिए हम लोग आम भाषा में कई बार होता है अंडर द वेदर तो अगर उस शब्द का अलग अलग अगर मतलब निकाला जाए तो उसका मतलब दूसरा होगा लेकिन जो इस एडियम्स में यूज करेंगे तो उसका अंडर द वेदर मतलब वो तबीयत खराब होने से संबंधित है या स्पिल द बीन्स तो इसका मतलब है कि जो भी सीक्रेट है उसको खोल दिया जाए तो इस तरह से अगर ऐसे हम स्पेल और बिन्स का अलग अलग मीनिंग देखेंगे तो वो अलग होता है तो ये जो एडियम्स ये इसीलिए स्पेशल कैटेगरीज़ में आते हैं कि आपको इस तरह के इंफॉर्मेशन मिलती हैं इस डिक्शनरी से फिर द आक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ कोटेशंस जैसे कोटेशंस की डिक्शनरी है जिसमें आपको हर तरह के कोटेशन जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज होंगे वो मिलेंगे इसके बाद बाईलिंगअल एवं बहुभाषीय शब्दकोश भी होते हैं तो बाईलिंगुअल यानी कि द्विभाषी जिसमें कि जैसे हम एक तो हम लोग इंग्लिश टू इंग्लिश इस्तेमाल करते हैं या हिंदी टू हिंदी तो वो एकल भाषी हो गया लेकिन अगर मैं इंग्लिश टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश डिक्शनरी इस्तेमाल किया तो वो बाईलिंगुअल हो गया तो एक भाषा के शब्दों का शब्दार्थ अन्य दूसरी भाषा में प्रस्तुत करते हैं तो उसको बाईलिंगुअल यानी द्विभाषीय शब्दकोश कहा जाता है ऐसे ही बहुभाषीय शब्दकोश भी होता है तो बहुभाषी शब्दकोश की अगर मैं बात करूं तो उसमें दो भाषाओं से अधिक भाषाओं में शब्द के अर्थ दिए जाते हैं और इन शब्दकोशों को अनुवादीय शब्दकोश भी कहा जाता है उदाहरण के लिए अगर जैसा मैंने बताया कि अगर मैं कोई, कोई किताब का ट्रांसलेशन कर रही हूँ कोई किताब अंग्रेजी में छपी है और उसको मैं उड़िया में करना चाहती हूँ तो मैं उसमें अंग्रेजी टू उड़िया की डिक्शनरी देखूंगी या कोई ऐसा शब्द है जिसको मैं दो तीन भाषाओं में कोई देखना चाहता है जैसे रीजनल लैंग्वेज है जैसे भारत में 22 तो ऑफिशियल लैंग्वेजेज हैं तो भाषाएँ हैं तो उन भाषाओं के लिए अगर हम बहुभाषी जो शब्दकोश कोश हैं उनका उपयोग किया जाता है कि जैसे बहुत सारे प्रदेश हैं जहाँ वहाँ की प्रादेशिक भाषा में पढ़ाया जाता है तो वो बच्चे अगर अंग्रेजी का कोई शब्द है जिसको अपनी भाषा में देखना चाहते हैं तो उनको बहुभाषी बहुभाषीय शब्द को जिसमें कि आप अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से उड़िया पंजाबी या गुजराती किसी भी भाषा के देखा जा सकता है इनका अगर उदाहरण हम देखें तो जो बहुभाषी और इस तरह की जो डिक्शनरी है बायोलिंग तो उसमें कंसाइज ऑक्सफोर्ड स्पेनिश डिक्शनरी का एक उदाहरण आप देख सकते हैं मल्टी लिंगल बायो मेडिकल टेक्निकल डिक्शनरी जैसे कि जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो अगर वो जब चिकित्सा की पढ़ाई कर रहे हैं और उस समय उनको कोई ऐसा जो टर्म है उसको उनको अपनी भाषा में जानना है उनको अपनी लैंग्वेज में जो उनकी रीजनल भाषा जो भी है प्रादेशिक उस उसमें उनको देखना है तो उसके लिए उनको मल्टीलिंगुअल जो बायोमेडिकल टेक्निकल डिक्शनरी है उसका सहायता लेनी पड़ेगी जिससे कि उनको यह पता चल सके कि इस टर्म का इस टर्मिनोलॉजी का अगर कोई मलयालम पढ़ रहा है मलयालम में तो उसको पता चलेगा कि अगर इसको अंग्रेजी में ये कहते हैं तो मलयालम में इस टर्म का क्या मतलब होगा तो ये मल्टीलिंगुअल जिसमें हर भाषा के एक टर्म का कई भाषाओं में इसका अर्थ लिखा होता है ऐसे ही शब्दकोश इंग्लिश टू हिंदी ये बाइलिंगुअल डिक्शनरी है तो इसमें आपको कोई भी शब्द है जिसकी आपने इंग्लिश में देखा उसको हिंदी में आप उसका अर्थ देख सकते हैं और अगर हिंदी में आप पढ़ते हैं और उसका इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में देख सकते हैं थैंक यू